सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा। जो बच्चे मैथ के अंदर कमज़ोर है, जिनको भिन्न का भाग करना नहीं आता, तो वो आप सिर्फ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आप आशा है कि आप प्रैक्टिस करके भी ज़रूर देखना, क्योंकि करत करत अभ्यास होता है भाई। हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें मैथ के सवाल नहीं आएंगे। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 3 by 6 divide 9 by 8 लेते हैं। तो हम यहाँ देखो, हमारे पास भाग का निशान है 3/6 और 9/8। तो हमें क्या करना है, 3/6। तो हम भिन्न का भाग करेंगे। हम इस भाग की जगह हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाते हैं। किसका लगाते हैं, हम गुणा का निशान लगाते हैं। तो हम यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। जो राइट साइड में जो नंबर दिया गया है उसका हम चेंज कर दें, मतलब रेसिप्रोकल बनाएंगे हम उसका। भाई नीचे वाली संख्या को हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या को हम नीचे लिख देंगे। तो जैसे हमारे पास नंबर है 9/8 है, फ्रैक्शन है हमारी, तो इसको हम क्या करेंगे, 8/9 लिख देंगे, 8/9। अब इस नंबर से इस नंबर को काटेंगे, इस नंबर से इसको नंबर को हम काटेंगे। भाई 3 की टेबल में हमारे पास 9 होता, तो 3 की टेबल हम 3 लग पड़ेंगे। 3 1 3 3 3 9, मतलब 3 1 3 3 3 9। अब ये दो देखेंगे हम किसकी टेबल में आता है। जैसे ये 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये 4 की टेबल में आता है, ये 4 की टेबल में नहीं होता, ये 3 की टेबल में, तो ये 3 की टेबल। लेकिन हमें सेम नंबर से काटना है, हमें याद रखना हमेशा, हमें सेम नंबर से काटना है भाई, जो दोनों एक ही टेबल के अंदर दोनों नंबर आते हों। तो 2 की टेबल में आता है 2 3 6, 2 4 8। अब जैसे हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ हमारे पास 4 आ चुका है, तो हम आगे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, तो हम 1 की और 4 के साथ इसकी क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। 4 1 4 और 3 3 9, इसका आंसर ये आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो चलो हम अगला एग्जांपल लेते हैं। तो सिर्फ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आप प्रैक्टिस कर जरूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। तो हम नंबर लेते हैं 10 by 15 divide 25 by 30। तो हम 10 by 15 डिवाइड की जगह हम क्या डालेंगे, मल्टी का निशान डालेंगे। तो मल्टी का निशान डालेंगे तो इस नंबर को हम चेंज करेंगे। भाई जैसे हमारे पास 25/30 दिया गया, तो 30 को हम ऊपर चेंज करेंगे, तो 30 को हम ऊपर ले जाएंगे। नीचे हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। इस नंबर से ये नंबर भी कट रहा है, इस नंबर से ये नंबर, क्योंकि दोनों ये 5 की टेबल में आता है, यही 5 की टेबल में, यही 5 की टेबल में, यही 5 की टेबल में, और इससे भी ये कट सकता है। तो 15 15 15 15 2 30, ये 5 से कटेगा। 5 की टेबल में 10 आता है, 5 की टेबल में 25 आता है, तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। अब हमारे पास कोई भी नंबर इसमें नहीं कट रहा है, या हमारे पास 1 5 2 और 2 आ चुके, तो 2 के साथ हम 2 की गुना करेंगे, 2 2 4 और 5 1 5, इसका आंसर ये आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो चलो हम अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सिर्फ आप क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब लेते हैं हम जैसे 20/18 divide 36/16। अब जैसे हमारे पास 20/18 अब डिवाइड की जगह हम क्या डालेंगे, मल्टी का निशान डालेंगे। अब इस नंबर को हम चेंज करेंगे, तो 16 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा हमारे पास, 36। अब जैसे काटेंगे हम इस नंबर से इस नंबर को काटेंगे, या इस नंबर से इस नंबर को काटेंगे, हम ऐसे भी काट सकते हैं। ये दोनों 2 की टेबल में आता है और ये दोनों 4 की टेबल में, लेकिन हम इसको ऐसे काट देंगे, ये 4 की टेबल में, ये 4 की टेबल, 4 5 जा 24 की टेबल, हम 5 अलग पड़ेंगे, 20 आएगा, और 4 9 जा 36। अब ये 2 की टेबल में काटेंगे हम, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। अब आगे कटेगा नहीं कटेगा, तो हम इसके साथ 5 के साथ हम 8 की मल्टी करेंगे, 8 5 जा 40 और 9 9 जा 81, तो इसका आंसर ये आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सपोर्ट जरूर करना।